थप्पड़ कांड पर बोले सीएम, ये कांग्रेस की बौखलाहट का नतीजा। उपचुनाव पर कांग्रेस के बयान को बताया बेबुनियाद। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को टालने पर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रही है। विपक्ष के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सेब सीजन के चलते कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं और त्योहारों के सीजन के चलते सरकार ने चुनाव आयोग को सुझाव दिए थे, जिस पर आयोग ने अपना फैसला लिया। रही बात चुनाव की तैयारी की, तो वह किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों के दौरे कर चुके हैं और चुनाव के लिए तैयार हैं। जगजीवन पाल थप्पड़ प्रकरण पर मुख्यमंत्री से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, जो हुआ सही नहीं था, लेकिन उसको सरकारी कार्यक्रम में दखल नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस बौखलाहट में इस तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि प्रदेश में माहौल बिगड़ जाए और कांग्रेस सुर्खियों में बनी रहे। IGMC में लंगर विवाद के सवाल को टालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। देखिए, वहाँ पर जहाँ सरकारी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में दखल डालना ये उचित नहीं है। सरकारी कार्यक्रम में जा करके वहाँ शोर करना, वहाँ कुछ इस तरह का करना, उस कार्यक्रम को डिसरप्ट करना, ये किसी तरह से भी अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन उचित स्थान पर होना। और ये सारी बातें, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बौखलाहट है। कई जगह ऐसी घटनाएं घटित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण जो है वो संदेश दूसरा चला जाए, तो इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालेंगे तो वो उचित नहीं। से पहले नोटिफिकेशन हो चुका था और वहाँ हाँ जी चुनाव नहीं होने के लिए हमने बड़ा साफ कहा है। और हमारी प्रेपरेशन आप देखिए, मैं इस वक्त जो है मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट रहता, एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है किन्नौर, वहाँ को छोड़ करके सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा भी कर चुका। हमारी प्रेपरेशन तो ये थी। और उसके अतिरिक्त जहाँ 3 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन हुए, तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम टूर करके आ गए। हमारी प्रेपरेशन ये है। लेकिन उसके बावजूद जब उनने फैक्ट्स पूछे कोविड की सिचुएशन, स्वाभाविक रूप से क्योंकि कोविड की सिचुएशन पिछले दिनों में केसेस बढ़े हैं, इसको कहाँ तक छुपाएंगे? ये हम छुपाने की बात थोड़ी हमारे पास कोई है। दूसरी बात, सेब का सीजन, एप्पल सीजन इस वक्त पीक पर है हिमाचल प्रदेश में और फोकस है उस पर, तो इसको छुपाने की बात नहीं है। और तीसरी बात कि हिमाचल प्रदेश का पर्टिकुलरली अगर मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, तो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने देखा होगा कि जो नेचुरल कैलामिटीज पिछले कुछ दिनों में हुई है, किन्नौर में जो है सांगला के पास घटना घटित हुई, 9 लोगों की जान उसमें गई, किन्नौर में नगुलसरी में घटना घटित, 28 लोगों की जान वहाँ पर गई, लाहौल में घटना घटित हुई और उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई, सब मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, कुल्लू में शायद में चार लोगों की वहाँ पर हुई। तो उसमें फैक्ट्स हमने दिए कि ये स्थिति है। हमने कभी नहीं कहा चुनाव ना करने के लिए, हमने कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और निर्णय आखिरकार हमने कहा कि निर्णय आपको लेना, उचित निर्णय आपको लेना है। तो